Hello friends, myself Mayank Gupta and I am posted as lecturer in Government Polytechnic College Bharatpur. So we were discussing about design of compression member. We have already recorded 5 video lectures. We have discussed about many topics under compression member. हमने ये देखा था कि radius of gyration क्या होती है, slenderness ratio क्या होती है, इफ़ेक्टिव लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. इसके बाद में फिर हमने डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के बारे में देखा, बिल्टअप मेंबर को किस तरह से जोड़ा जाता है, लेसिंग ऑफ बेटेंस की डिज़ाइन के बारे में भी देखा था. आज ये हमारा कंप्रेशन मेंबर का लास्ट वीडियो है. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का, और उसके बाद में एक दो कुछ कॉडल प्रोविजंस है उनके बारे में समझेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं. हमारे पास में कॉलम है जिसकी इफेक्टिव लेंथ 10 मीटर है. एक कॉलम है जिसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो है 10 मीटर, और इसके ऊपर एक लोड लगा हुआ है P इज इक्वल टू 750 किलो न्यूटन का. ठीक है, इसको हमें कॉलम को डिज़ाइन करना है, इसके क्रॉस सेक्शन को यूजिंग टू चैनल्स बैक टू बैक. मतलब हमको इस तरह से इस चैनल को डिज़ाइन करना है कि हमें दो चैनल सेक्शन को बैक टू बैक काम में लेना है. अब हमारे कंफर्ट के लिए जो हम देखते हैं स्टैंडर्ड सेक्शन, वो वैसे तो स्टील टेबल की मदद से देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए एक दो स्टैंडर्ड सेक्शन उठा करके दिए हैं. इन दोनों में से किसी एक को हमको यूज़ में लेते हुए और सूटेबल क्रॉस सेक्शन को डिज़ाइन करना है. पहला है ISMC, इसका एरिया है 3867 mm², इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्स एक्सिस वो है 3816.8 सेंटीमीटर फोर. IYY है 219.1 सेंटीमीटर की घात 4. और जो CXX का मतलब इसका सेंट्रॉइडल, इसका सेंट्रॉइड जो X डायरेक्शन में है वो है 23.5 mm की दूरी पर. इसी तरह से ISMC के जो डाटा हैं वो हैं AG, IXX, CYY, IYY. इन दोनों में से किसी एक सेक्शन को यूज़ में लेते हुए हमको गिवन कॉलम का सूटेबल क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो इसके मैंने आपको स्टेप लिखाए थे. मैंने आपको इसमें सबसे पहला जो स्टेप लिखाया था वो मैंने आपको लिखाया था कि हमको सबसे पहले स्टेप में ज़ूम करना है FCD की वैल्यू. उसके लिए मैंने आपको रेंज दी थी फॉर स्टैंडर्ड और सिंगल सेक्शन की रेंज थी 60-80 न्यूटन पर mm², और फॉर बिल्टअप सेक्शन के लिए जो रेंज थी वो थी 110-125 न्यूटन पर mm². अब चूंकि हमारा जो है बिल्टअप सेक्शन है, इसलिए हमको 110-125 न्यूटन पर mm² के बीच में कोई भी वैल्यू चूज करनी है. तो हमने एक वैल्यू चूज कर ली, FCD इज इक्वल टू 115 न्यूटन पर mm². ये इसका पहला स्टेप हो गया. दूसरे स्टेप में हमने जो लिखा था वो था कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड. मतलब हमको इस जो हमने एज्यूम की है FCD की वैल्यू, उसके आधार पर कितना एरिया इसमें रिक्वायर्ड होगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. उसका फॉर्मूला है एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लोड अपॉन FCD, जो एक्शनल लोड है, अपॉन FCD. तो यहाँ पर जो हमारा लोड है वो है 750 किलो न्यूटन, और FCD की वैल्यू हमने एज्यूम की है 115 न्यूटन पर mm². अब इसमें देखिए, जो लोड की वैल्यू है वो है किलो न्यूटन में, और FCD की जो वैल्यू है वो है न्यूटन पर mm² में. तो हम क्या करेंगे कि लोड का जो किलो न्यूटन है उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे y मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000. तो ये हो जाएगा 750 × 1000 / 115. तो इससे हमें कितने एरिया रिक्वायर्ड की ज़रूरत है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू मिल जाती है 6521.73 mm². ये हमारे पास में
जो टोटल एरिया है पूरा क्रॉस सेक्शन का उसकी वैल्यू है। अब इसमें ये ध्यान देना, यहाँ पर ये जो एरिया रिक्वायर्ड कैलकुलेट होकर के आया है ये दोनों चैनल सेक्शन का कंबाइंड एरिया है। तो यदि हम देखें, यदि दोनों चैनल सेक्शन का 6521.73 है, तो यदि एक चैनल सेक्शन की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए एक चैनल सेक्शन का जो मिनिमम एरिया निकल के आता है वो आता है 3260.85 mm². ठीक है। अब देखिए, हमारे पास में जो गिवन दो चैनल सेक्शन थे उनमें से हमको एक चैनल सेक्शन यूज़ में लेना है, तो इनका यदि हम एरिया कंपेयर करें तो देखिए, इसका जो एरिया है वो है 3867 mm², और इसका जो एरिया है वो है 4564 mm², और जो हमारा अभी कैलकुलेट होके आया था वो था 3260.85 mm². तो हम क्या करेंगे कि उससे जस्ट हायर जो वैल्यू है वो अभी कौन सी है, ISMC 250। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने ISMC 250 को यूज़ में लेते हुए हमारा जो कंप्रेशन मेंबर है उसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो हमारा ये फिर स्टेप 2 कंप्लीट होता है कि वी हैव एज्यूम्ड दैट वी हैव टेकन 2 ISMC 250 चैनल्स। ठीक, तो हमारे हमने जो एज्यूम हमारे पास में एरिया रिक्वायर्ड की वैल्यू के आधार पर हमने चैनल सेक्शन डिसाइड कर लिया है। इसके बाद में जो स्टेप 3 मैंने आपको लिखाया था वो ये था कि उसमें हमको RXX और RYY की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद में फिर R मिनिमम कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमको जो FCD की वैल्यू जो हमारी फाइनल निकल के आती है वो लैम्बडा की वैल्यू के आधार पर निकल के आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस लैम्बडा की वैल्यू के आधार पर फिर FCD की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो देखिए, अब इसमें जो दो चैनल सेक्शन हैं वो बैक टू बैक हैं इस तरह से। हमारे पास में ये जो सेक्शन है वो इस तरह से है, इसमें दोनों चैनल सेक्शन बैक टू बैक लगे हुए हैं। हमारे पास में एक चैनल सेक्शन का ISX भी हमको पता है और IY भी हमको पता है, और उसका जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी हमारे पास में गिवन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डाटा बताए थे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास में गिवन है। अब हमारे पास में इस कंबाइंड सेक्शन का ISX कैलकुलेट करना है और इसी कंबाइंड सेक्शन का IYY कैलकुलेट करना है। अब देखिए, जो हमारे पास में गिवन है डाटा वो इस एक्सेस के अबाउट है, एक सिंगल चैनल सेक्शन का, और जो हमको कंबाइंड निकालना है वो भी इसी एक्सेस के अबाउट निकालना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में जो डाटा गिवन है, एक ISX या एक सेक्शन का ISX जो गिवन है, यदि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस पूरे क्रॉस सेक्शन का ISX निकल के हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो ISX की वैल्यू, ISX जो कंबाइंड होगा वो सिंपल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ISX। इसको यहाँ से देखिए, ये वाली वैल्यू देखिए, ISX जो कंबाइंड है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ISX। अब हमारे पास में अभी दो वैल्यूज़ नहीं है, हमारे पास में IYY की भी वैल्यू नहीं है, और इन दोनों चैनल सेक्शन के बीच में जो स्पेसिंग है वो भी हमारे पास में गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमको सबसे इकोनॉमिकल या सबसे बेस्ट यदि डिज़ाइन करनी है तो हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ISX है वो IYY के जस्ट बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन का जो ISX है वही किसके बराबर है, IYY के बराबर है। ठीक है, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि अभी इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो एस है। एस की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास में जो एक चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है वाई एक्सिस के अबाउट, वो इस वाले एक्सिस का दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि हमारे पास में इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है तो हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का उपयोग करते हुए हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा कि टोटल IYY हमारे पास में निकल के आ जाएगा, और वो जो टोटल IYY होगा वो टोटल ISX के इक्वल है। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, IXX कम्बाइंड इज इक्वल टू IYY कम्बाइंड, या IYY कम्बाइंड है।
इसको भी हम कंबाइंड लिख देते हैं, ये भी आई एक्सएस कंबाइंड इज इक्वल टू आई वाई वाई कंबाइंड। आई वाई वाई कंबाइंड का मतलब ये है कि पूरे कंप्रेशन मेंबर का जो आई एक्स एक्स है और आई वाई वाई है वो हम इक्वल मान करके चलते हैं। तो टू आई एक्स एक्स इज इक्वल टू टू आई वाई वाई प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू एस वाई टू प्लस सी एक्स एक्स बार का होल स्क्वायर। ये जो हमने टर्म यूज में ली है वो किस लिए ली है, वो इसलिए ली है कि जो हमारे पास में एक्सेस है वो हमको शिफ्ट करनी पड़ेगी, जो हमें हमारे पास में गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दूसरी एक्सेस के अबाउट है, जो हमको कैलकुलेट करना है वो उसके पैरेलल दूसरी एक्सेस के अबाउट करना है। तो पैरेलल एक्सेस का थ्योरम यूज़ में लेते हुए हमने एक थ्योरम लगाई, एरिया इंटू उन दोनों के बीच की वैल्यू का स्क्वायर, ये थ्योरम होती है। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब देखिए इसमें दो से दो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये दो दो ये दो भी कैंसिल हो जाएगा, और आई एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, आई वाई वाई ये वाला हमारे पास में गिवन है, क्योंकि जो उस चैनल सेक्शन का अपने सेंट्रोइडल जो वाई वाई एक्सेस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में गिवन है, इनका एरिया भी हमारे पास में गिवन है, और सी एक्सेस वार उसने दिया हुआ है स्टार्टिंग में 23.5 mm। ठीक है, और हमारे पास में केवल एक जो वैल्यू है वो है एस, जो कि अननोन है। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वैल्यू अननोन है एस, तो हम इसको यदि सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ को रख के, तो हमारे पास में एस की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है यहाँ पर 196 mm। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम ये मान के चलते हैं कि आई एक्स एस कम्बाइंड इज इक्वल टू आई वाई वाई कम्बाइंड है, तो उस केस में दोनों चैनल के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो 196 mm के बराबर होगी। अब हमारे पास में दोनों चैनल के सेक्शन के बीच की स्पेसिंग आ गई है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे जो आर मिनिमम है पूरे चैनल पूरे कंप्रेशन मेंबर का, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आर एक्स एक्स और आर वाई वाई, यदि आई एक्स एक्स आई वाई वाई सेम है तो हमारा आर एक्स एक्स और आई वाई वाई भी सेम ही होगा। तो इस तरह से हम आर मिनिमम की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, आर मिनिमम कम्बाइंड इज इक्वल टू रूट ऑफ टू आई एक्स एक्स अपॉन टू ए इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब टू से टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3816.8 इंटू टेंस टू की पावर 4 अपॉन 3867। ये टेंस टू की पावर 4 ऊपर इसलिए किया है क्योंकि आप देखना स्टार्टिंग में जो आई एक्स एक्स की वैल्यू गिवन है वो सेंटीमीटर की पावर 4 में है, और जो एरिया की वैल्यू गिवन है वो एम एम स्क्वायर में है, तो इसलिए उस सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 10^4 करना पड़ा है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर पूरा यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आर मिनिमम कंबाइंड है वो कैलकुलेट होकर के आता है 99.35 mm। इस तरह से आर मिनिमम कंबाइंड कैलकुलेट हो गया। अब हम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला हम लगा देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, और यहाँ पर जो एल इफेक्टिव है वो हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि यहाँ इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 10 meters की है। अब ये मीटर में है और जो हमारा आर मिनिमम है वो mm में है, तो हम क्या करेंगे लेंथ को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके बाद में हमारे पास में फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 100.66। तो हमने इस गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद में फिर अब हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू के आधार पर अब हमको FCD की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए फिर हमको वापस से IS कोड 800 की टेबल देखनी पड़ेगी, तो उसकी भी मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है यहाँ पर, तो उससे हम देख सकते हैं ये हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं जिसमें लैम्डा और FCD की वैल्यूज़ में रिलेशन गिवन है। तो हमारा जो अभी लैम्डा निकल के आया है वो आया है 100.66, और तो FCD की वैल्यू जो होगी, अब देखिए 100.66 100 और 110 के बीच में है, तो FCD की वैल्यू हमारी इन दोनों के बीच में कैलकुलेट होके आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरपोलेशन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 110 minus 100.6 इज इक्वल टू 75.3 minus 84
अपॉन 75.3 माइनस एक्स, एक्स क्या होगा जो कि 100.66 के करस्पॉन्डेंस एफ सी टी की वैल्यू होगी। इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखी हुई है इंटरपोलेशन वाले मेथड से एक्स की वैल्यू निकालना, फिर यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू मतलब जो एफ सी डी की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 83.42। अब ये जो 83.42 निकल के आई है ये हमारे पास में एफ सी डी की वैल्यू एक्चुअल निकल के आई है। अब यदि हमको इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस एफ सी डी की वैल्यू को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया इंटू एफ सी डी लगाएंगे। एरिया हमारे पास में है दोनों का 3867 इंटू 83.2 इंटू 2, 2 मतलब दो एंगल्स हैं। तो इस फॉर्मूले से जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट होकर आती है वो आती है 645.7 किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट होकर आती है वो आती है 64.57 किलो न्यूटन। तो मैंने आपको बताया था पहले कि यदि हमारी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू यदि हमारा एक्चुअल जो लोड लग रहा है उससे कम है तो हमको हमारे सेक्शन को वापस से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो इसकी है 645.7 किलो न्यूटन और जो एक्चुअल में एक्टिंग लोड है वो है 750 किलो न्यूटन। तो हमको इस पूरे क्रॉस सेक्शन को वापस से डिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब हमने जो एज्यूम किया था एफ सी डी इज इक्वल टू 115 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो हमने गलत एज्यूम किया था। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अभी जो हमने चैनल्स काम में लिया था उस चैनल का जो एरिया है उससे ज़्यादा एरिया वाला चैनल सेक्शन काम में लेते हुए इसको वापस से डिज़ाइन करेंगे। मतलब वो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमने ये लिया था 2 ISMC 250 चैनल, इस ISMC 250 के अलावा इससे और बड़ा हमको चैनल सेक्शन लेते हुए पूरे कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास में 250 की जगह अब हम क्या करेंगे ISMC 300 लेंगे और 300 देते हुए ये जो भी सारे मैंने आपको स्टेप बताए थे स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करना, आप लेना 2 ISMC 300 और उसके बाद में फिर स्टेप 2, 3, 4, 5 इस तरह से सारे आपको स्टेप वापस से करने हैं। तो ये आपको आगे खुद से करना है। तो इस तरह से हम हमारे किसी भी कॉलम सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, हमारा जो IS कोड है IS 800 उसमें मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो के कुछ क्राइटेरिया हैं। मतलब किसी भी कंप्रेशन मेंबर का मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, ये इस तरह के कुछ क्राइटेरिया हैं जिस तरह से हम वो क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो हमारा जो कंप्रेशन मेंबर है वो सेफ रहेगा। तो देखिए वो क्राइटेरिया हम समझते हैं, ये क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमको याद में रखने हैं, ये कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्राइटेरिया इसमें है कि यदि कोई भी कंप्रेशन मेंबर है जिसके ऊपर कंप्रेशन लोड लगा हुआ है डेड लोड और इम्पोज्ड लोड के कारण, इन दोनों इम्पोज लोड का मतलब लाइव लोड के कारण। देखिए पहले मैं आपको बता दूँ जो लोड होते हैं वो जनरली चार तरह के होते हैं, पहला होता है डेड लोड, दूसरा होता है लाइव लोड, तीसरा होता है विंड लोड और चौथा होता है अर्थक्वेक लोड। डेड लोड का मतलब यह है कि जो हमने स्ट्रक्चर को बनाया है उस स्ट्रक्चर को बनाने में जो मटेरियल काम में लिया है उस मटेरियल का जो खुद का वेट है वो डेड लोड कहलाता है। लाइव लोड या इम्पोज लोड का मतलब ये है, ये लोड मूविंग लोड होते हैं, मतलब जैसे सपोज करें हमने कोई घर बनाया तो घर बनाने में जो मटेरियल काम में आया है वो मटेरियल का जो वजन है वो तो हो जाएगा डेड लोड, और उसमें जो हम लोग रह रहे हैं या हमने जो सामान रखा है जिसको हम मूव करते हैं या जो भी उसमें पर्संस रहते हैं जो इतने भी उसमें लोग रह रहे हैं उसे हम सारा लाइव लोड या इम्पोज लोड कहते हैं। तीसरा होता है विंड लोड। विंड लोड सिंपली जो हवा बहती है उसके कारण से जो लोड लगता है उसे विंड लोड कहते हैं। और चौथा हुआ अर्थक्वेक, मतलब भूकंप के कारण जब कभी कभी भूकंप आने के कारण जो किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड लगता है जिसके कारण वो कोलैप्स हो जाता है उसे हम अर्थक्वेक लोड कहते हैं। तो इस तरह से चार लोड होते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्राइटेरिया ये है कि यदि कोई भी मेंबर जिस पर कंप्रेशन लोड लगा हुआ है और कंप्रेशन लोड जो लगा हुआ है वो डेड लोड और इम्पोज लोड के कारण है, डेड लोड और लाइव लोड के कारण है, तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो होगा वो उसका 180 होगा। 180
से ज़्यादा हम स्लेंडरनेस रेशियो किसी भी कंप्रेशन मेंबर का नहीं रख सकते जो कि डेड लोड और इम्पोज लोड से अफेक्टेड हैं। दूसरा इसका क्राइटेरिया है कि ऐसा कोई भी मेंबर, ऐसा जिसके ऊपर कंप्रेशन लोड लगा हुआ है लेकिन जो कंप्रेशन लोड है वो केवल विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के कारण है। इसमें ये ध्यान देना, जो कंप्रेशन लोड है वो केवल विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के कारण है। और दूसरी बात, इस तरह के मेंबर में यदि कोई डिफॉर्मेशन होता भी है तो वो उस स्ट्रक्चर को ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट नहीं करें। इस तरह की यदि कोई कंडीशन उसमें बनती है तो उसके लिए जो मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो 250 होगा। 180 किसके लिए है? 180 है कोई भी यदि हमारा मेंबर है उस पर कंप्रेसिव लोड लगता है डेड लोड या लाइव लोड के कारण, तो उस केस में जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 180 होता है। यदि किसी भी मेंबर जिस पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन विद विंड एंड अर्थक्वेक एक्शन बट प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस केस में जो मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो हमारा 250 होता है। एक तीसरा क्राइटेरिया और है, तीसरा क्राइटेरिया है कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्शनल बकलिंग। अब देखिए लेटरल टॉर्शनल बकलिंग, पहले तो मैं आपको बता दूं कंप्रेशन फ्लैंज का क्या मतलब है। यहाँ पर कंप्रेशन फ्लैंज का मतलब है कि माना कि ये हमारी कोई इस तरह से बीम है, ये बेसिकली क्राइटेरिया बीम के लिए है। तो बीम में यदि आपने देखा होगा यदि बीम, इस बीम पर यदि कोई मोमेंट लगता है तो उस मोमेंट के कारण इसकी न्यूट्रल एक्सिस का जो नीचे वाला पोर्शन है उस पर टेंशन आता है जनरली और ऊपर कंप्रेशन आता है। हालांकि ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस मोमेंट के डायरेक्शन क्या है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों, ये इसमें कहलाते हैं फ्लैंज और ये जो बीच वाला मिडिल वाला पोर्शन है ये कहलाता है वेव। तो कई बार क्या होता है कि जो कंप्रेशन वाला पोर्शन है उसका जो फ्लैंज है उसमें भी कंप्रेशन आता है, तो उस कंप्रेशन के कारण भी उसकी बकलिंग होने की संभावना रहती है। तो वो जो बकलिंग होती है वो कहलाती है लैटरल टॉर्शनल बकलिंग। तो उस बकलिंग को रोकने के लिए क्राइटेरिया होता है कि कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्शनल बकलिंग का जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तीन क्राइटेरिया हैं, 180, 250 और 300। ठीक, थैंक यू।